वन दिन इज फिर इंशाल्लाह ताला अभी अगेन बस लंगर शरीफ शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये साथी जरा थोड़ी देर बैठना है। मैं कहना कि इंशाल्लाह ताला आज असि जरा काम करांगे अगले साल लोग याद करेंगे कि यार वाकई ये सानू रोड ते बह के दुनियावी गल्लां करनियां चाहिए कि मेरे नबी की आमद होवे कि अल्लाह के घर च बहना चाहिए। सारे जवाब दिओ जी, है अल्लाह के घर च बह के उस नबी का मिलाद मनाना चाहिए कि जिस नबी की खुशी आमद की खुशी के नाल ये सारी कायनात बनी गई है, सारी कायनात बनी है। ये देखो गुलामी जो गुलामी बंदा आ जाता है कि हजरत सफीना आपका काम की सी, आप जिहड़े साथी सरकार सफर करते सन कि किसी साथी का समान डिगा तो आप हजरत सफीना आप नो समान चुकना, समान समेट लेना, समान समेटना, समान समेट के फिर जिदा जिदा समान होना तो उन्होंने देना जाके। एक दफा एक जंगल तो आपका गुजर हो रहा है, काफिला जा रहा है, पीछे आप काफले तो पीछे रह गए, उस समान गिरिया, समान समेटते समेटते आप काफले तो पीछे रह गए, काफिला काफी अगे चले गया, काफिला अगे चले गया, उसी जंगल का एक शेर, उस शेर इंसानी समेल लेंदा लेंदा वो साबी हजरत सफीना आप वाले पासे, उस समेल लेंदा लेंदा आप वाले पासे गया। उन शेर का काम की उन्हें करना जी सी, उन्हें तो पंजा ही मारना सी ना, उन्हें शिकार करना सी, उन्हें शिकार करने वास्ते जो हजरत सफीना वाले पासे शेर आपके सामने आया तो हजरत सफीना एक सीना तान खड़ के खड़े हो गए, सीना तान के खड़े हो गए। आपने फरमाया कि या आप ही लारे, आपने फरमाया जंगल के बादशाह या आप ही लारे, ए जंगल के बादशाह ये कर सुन, जब तू जंगल का बादशाह है आना मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू जंगल का बादशाह है तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। आपने फरमाया आना मौला रसूलुल्लाह, ए जंगल के बादशाह तू जंगल का बादशाह तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। आए है उन शेर का काम की थी, वो शेर हुए जंगल का बादशाह हुए ते ना मेरे नबी दा आया तो खुदा दी कसम है ओ गर्दन ओ सिर ओ पंजा जिन्हें शिकार करना सी वो गर्दन थल्ले झुक गई। आए है खाली झुकी नहीं वो पीछे पूछन भी लेने लग गई, पूछन लेने लग गई वो अदब के अंदर। आपने फरमाया कि आना मौला रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हां, ते जिदो कोई मिनिस्टर आता है, कोई बैरिस्टर आता है, कोई गवर्नर आता है उन्हें वास्ते प्रोटोकॉल बनता है, वो शेर ने देखा मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया, वो गर्दन झुका के अगे अगे चलना शुरू कर दिया, वो साबी पीछे पीछे जा रहा है, फिर जिड़ा अगे कोई जानवर आया उन्होंने फड़ के पीछे कर दिया, वो कहना पीछे हट जाओ आना मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए तो अपने आप नीमा कर दे सही, तो खुदा की कसम जंगल के बादशाह भी तेरा तेरा एहतराम करेंगे, है जंगल के शेर भी तेरा एहतराम करेंगे, तो अपने आप नीमा कर दे सही। ये नीमा किस तरह होता है बंदा, ये नफ्स जड़ा है इसका होने नहीं देता। असि देखो सारी रात लग गई, एंड ते मेरी वारी आई, ये परसों असी नौ जीडी सा गई उन्होंने दे नाल, उन्होंने आकिफ ने माशाल्लाह खाने का इंतजाम किया, इन्ना वड्डा मजमा एंड ते साड़ी वारी। मैं पूछे जी साड़ा टाइम किन्ना, कहते जी दस दस मिनट है ने, जल्दी दुआ कर दे। जो सानू मेजबान में जो ये गल की जाती है उसकी तो पावर खत्म हो जाती है, राती किस तरह गुफ्तगू हो रही है। जो बंदा कहते एक बंदे सदारत सदारत वास्ते बुलाया तो यार सदर का कोई मुकाम तो होंगे ना, वो सदर की भी मनी जानी चाहिए। हूँ ये जी सदारत मुर्शद की निगाह के नाल मिली है, ये जरा रूहानियत मिली है, ये जरा नूर मिले है, ये असी हम दुनिया की गल तो करनी कोई नहीं। हूँ लोगों को फिक्र यह पै गया ये सैफिया ने गल ही है यार शरीयत की करनी है, इन्होंने दड़ की गल करनी है, इन्होंने नमाज की गल करनी है। तो खुदा की कसम मेरे दोस्तों तकरीर बहुत हो रही ने, सारी सारी रात तकरीर हो रही है। मैं उत्तर नौ जी डी मैं क्या जी कोई बंदा हूँ कि नमाज पढ़ेगा मैं दसो ना, जरा सारी रात तो लंघ गई, नमाज का वेला सारे ने घरों घर ही चले जाने, हूँ यदा कौन जिम्मेदार है, नमाज छुट गई कौन जिम्मेदार है। इस वजह तो मेरे दोस्तों कोई आया लेके चला गया कि उम्र भर भी ना पा सका, असी सारे इरादा करा असल मिलाद मनावे है उची तरह इंशाला है।
اسن میلاد مناواں گے ہیں انشاءاللہ سرکار دا طریقہ اودے مطابق چلن گے انشاءاللہ نبی دا طریقہ اودے مطابق چلن گے ہیں انشاءاللہ نماز دا ٹائم ہوے گا تے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے نماز دا ٹائم ہوے گا تے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے کم دا ٹائم ہویا تے کم کرنا ہے اللہ کرے اللہ پاک سانو اپنے اصل والے پاسے آن دی توفیق عطا فرمائے بس ایک شعر نعت پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سی لنگر شروع ہوئے گا ساتھی جی اٹھ رہے ہیں یا تھوڑی دیر اسی یہ صرف اپنے ذہن نو یہ بس مضبوط کرنا ہے کہ اسی نظام نو سیدھا کرنا ہے اسی نظام نو سیدھا کرنا ہے اسی وہ کام کرنا ہے جتنے سانا نبی راضی ہو گئے ہیں سارا دن چلیے تو کم ہی غیر شرعی ہو گئے تو پھر ٹائم ضائع ہوتا کہ نہیں ہوتا اس وجہ تو بس کوشش سارے ساتھی یہ صرف ایک دو شعر سنا گے ساتھی دل دے اتنے تصور رکھ کے بیٹھنا ہے کہ ساتھی کچھ باہر آ رہے نہیں بس وہ آ جاتے ہیں تو فوراً ان شاء اللہ تعالیٰ لنگر کا انتظام کافی وسیع ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھی تھوڑے جہے آ رہے ہیں آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل کے نام اگلا کام شروع ہوئے گا دل کے اتنے ساتھی تصور رکھ کے بیٹھے ہیں کہ دل ساڈا اللہ کی یاد زندہ ہو جائے درود شریف پڑھنا ہے سارے ساتھی نے.